हेलो गाइस, आज हम इस फ्रंट एंड के कोर्स में देखेंगे कि फ्लोट की क्लासेस कौन सी होती है बूटस्ट्रैप के अंदर। वैसे मैं एक चीज और क्लियर करा देता हूं कि जितनी भी कॉलम्स की क्लासेस होते हैं, जैसे कॉलम डी वन से लेके 12, कॉल एसएम 1 से लेके 12, कॉल एक्सएस 1 से लेके 12, कॉल एलजी 1 से लेके 12, उन सब में फ्लोट क्या होता है, लगा हुआ रहता है। अब फ्लोट लगा होने का मतलब है कि वो मीडिया क्वेरी के अकॉर्डिंग फ्लोट वहां पे लगा रहता है। वहां पे ये चीज होती है कि अपने को कॉलम डिवाइड करना होता है, फ्लोटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं बनाना पड़ता, तो ये कॉन्सेप्ट बना हुआ रहता है। अब देखिए, अगर आपको अलग से फ्लोट आपको देना है कहीं पे लेफ्ट और राइट, तो कैसे यूज करेंगे, ये मैं सारा प्रोसेस आपको क्या करता हूँ, क्लियर करता हूँ। और इसका यूज कहाँ पे होगा, आप सोच रहे हैं कि सर कॉलम की क्लासेस में फ्लोट लगा है और मैं इसका यूज कहाँ पे करूंगा, ये भी चीज मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। देखिए, जो फ्लोट की क्लासेस होंगी, दो क्लासेस है यहाँ पे, डैश फुल लेफ्ट, डैश फुल राइट। देखिए, फुल लेफ्ट का मतलब है फ्लोट लेफ्ट का काम करेगा और फुल राइट का मतलब है फ्लोट राइट का काम करेगा। अब ये क्लासेस कहां पे यूज करनी है, इन क्लासेस को यूज कहां पे करना है, पहले ये कॉन्सेप्ट समझना है। इसके लिए मैं एक बार डिजाइन ओपन करता हूं। देखिए, ये डिजाइन है। अब डिजाइन में क्या है कि मुझे इसको क्या करना है, थ्री में करना है और इसको सिक्स में करना है। अब देखिए, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, यहां पे मैं थ्री का यूज कर रहा हूं और यहां पे क्या यूज कर रहा हूं, सिक्स का। ठीक है, अब लॉजिक क्या है, देखिए थ्री और सिक्स यूज किया तो क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ आपने कॉलम्स कितने यूज कर लिए, नाइन, और आपके पास कॉलम्स कितने बचे हुए थे, टोटल 12 थे, 9 यूज किए, 3 बच गया। अब 3 बचने का मतलब है वो 6 क्या हो गया, इधर की साइड आ गया। अब मैं इसको 9 नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं 6 का ही स्पेस ले और ये राइट साइड में चला जाए, ये 3 हो और ये 6 हो। तो देखिए, दो तरीके हैं। पहला तरीका तो क्या है आपके माइंड में, मैं एक चीज क्लियर करा देता हूं, यहां पे आप एक ब्लैंक बना दीजिए 3 का। हां, देखिए मैं यहां पे एक क्लास बना देता हूं, कॉल एमडी 3। तो ब्लैंक बनाने का मतलब है 3 का आपने यूज किया, 3 को ब्लैंक रखा और 6 चला जाएगा थोड़ा सा खिसक के उधर की साइड। अब ये क्यों गया, क्योंकि आपने 3 कॉलम्स को यहां पे क्या कर रखा है, ब्लैंक छोड़ रखा है। पहला तरीका तो ये। अब दूसरा तरीका क्या है, यहां पे हम फ्लोट लेफ्ट का भी यूज कर सकते हैं और कुछ मार्जिन से रिलेटेड भी क्लास होंगी, आगे मैं बताऊंगा। मैं लेफ्ट से मार्जिन देना हो तो कैसे आप देंगे, वो मैं पूरा प्रोसेस बूटस्ट्रैप की क्लासेस में बताऊंगा, मगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्चुअल अभी क्या होता है। या तो मैं 6 करूं और मुझे इसको 3 रखना है, इसको 6 ही रखना है और ये 6 राइट में जाना चाहिए। तो पहला कॉन्सेप्ट से ये है कि आप एक ब्लैंक 3 बनाइए कि वो 6 कहां पे चला जाए, इधर की साइड चला जाए। अब दूसरा प्रोसेस क्या है, अपने को 2 ही डिप रखनी है। आपका कॉन्सेप्ट है कि सर मुझे 2 डिप से ज्यादा नहीं रखनी, मुझे 2 ही डिप रखनी है। अब 2 डिप के अकॉर्डिंग इसको क्या करना है, राइट साइड में करना है। तो यहां पे कॉन्सेप्ट यूज होगा पुल राइट का। पुल राइट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जैसे ही आप यहां पे पुल राइट यूज करेंगे कॉलम डी 3 वाले में, तो पुल राइट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो चीज यहां पे 6 में है, 6 में अभी लेफ्ट लेफ्ट के कॉम्बिनेशन आ रही है, ये 6 राइट में चला जाएगा। देखिए, तो यहां पे आपका क्या है, कॉन्सेप्ट बच गया। कॉन्सेप्ट बचने का मतलब क्या है, मोबाइल में ये 12 बार ही चाहिए, तो मोबाइल में आप यहां पे क्या करिए, कॉल एक्सेस 12, कॉल एक्सेस 12 कर दीजिए। देखिए, तो डेस्कटॉप पे तो अपने को एडजस्ट नहीं करना पड़ा ना, नहीं तो मैं क्या करता, यहां पे क्लास बना के पैडिंग थोड़ी देता, मैं मार्जिन थोड़ी देता। यहाँ पे उतना ही करना है ना, मुझे 3 कॉलम तक खिसकाना है। मैं मार्जिन के कॉन्सेप्ट से यूज कर सकता हूँ, मगर मार्जिन के कॉन्सेप्ट से यूज ही नहीं करना है ना। और मान लो आपके छोटे छोटे 2 थे, एक 2 का ब्लॉक इधर है और 2 का इधर है, तो क्या करेंगे आप, तो 8 का मार्जिन थोड़ी देंगे। कॉन्सेप्ट ये कहता है ना, एक को फ्लोट लेफ्ट दीजिए और एक को फ्लोट राइट दीजिए। तो देखिए, पुल राइट का काम होता है फ्लोट राइट देना। देखिए, मैं यहाँ पे रन करता हूं, एक बार मैं यहाँ पे 100% में कर देता हूँ यहाँ से। अब मैं इसको देखिए उसमें ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे 12 12 करने का मतलब क्या हुआ, ये मोबाइल में 12 हो गया और ये भी क्या हो गया, मोबाइल में 12 हो गया। क्लियर। अब देखिए, इस कॉन्सेप्ट से मेरा लॉजिक बच गया। लॉजिक बचने का मतलब है, वो उस डिप का क्या था, जो मैंने डिप बनाई वो कोई लॉजिकल थिंग्स नहीं था। लॉजिकल थिंग्स का मतलब ये नहीं हुआ कि मैंने एक अननेसेसरी एक डिप बना दी वहां पे, मतलब लॉजिक ही नहीं है ना। ब्लैंक डिप का क्या काम है, ब्लैंक डिप आप अपना काम करने के लिए बना रहे हो, मगर लॉजिकल पोर्शन से सही नहीं है ये कॉन्सेप्ट। लॉजिकल पोर्शन से क्या है, सही है। तो पुल लेफ्ट क्या करता है, लेफ्ट में लाने का काम करता है। पुल राइट क्या करता है, राइट में लाने का काम करता है। तो पुल लेफ्ट का यूज तो कम होता है, तो आप पुल राइट का यूज ज्यादा करते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी कि मैंने फ्लोट की क्लास के कॉन्सेप्ट से कैसे इसको राइट में किया। तो आप इन दोनों क्लासेस को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इन दोनों क्लासेस को यूज करके इसको क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं।